वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरमेंट लॉ में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। किस में? वाटर एक्ट 1974 में। देखिए आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा सेंट्रल बोर्ड के पास क्या पावर्स होती हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसका कंपोजिशन होता है, स्टेट बोर्ड के पास क्या पावर्स होती है, क्या फंक्शंस होते हैं और क्या उसका कंपोजिशन होता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट and control water pollution and to restore the maintain the quality of water। यानी कि जो हमारे जो वाटर एक्ट है 1974 का, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है किसे, वाटर पॉल्यूशन को, एंड टू रिस्टोर एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की क्वालिटी को क्या करता है, रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है। क्लियर। द एक्ट ऑल्सो कन्फर्स सम पावर्स टू एस्टैब्लिश बॉडीज सच एज द सेंट्रल बोर्ड एंड द स्टेट बोर्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमने एक्ट बनाया, तो इस एक्ट में कुछ हमने क्या करी है, एस्टैब्लिश करी है बॉडीज, क्या क्यों करिए, उनका फंक्शन क्या है, कि वाटर पॉल्यूशन को क्या करे, कंट्रोल करे, प्रिवेंट करे। क्लियर। तो हमारी कौन कौन सी बॉडीज हैं जो हमने वाटर एक्ट में बनाई है 1974 में, बिल्कुल सही, सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। क्लियर। अब बात करते हैं, फर्स्टली हम किसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल बोर्ड के बारे में। सेंट्रल बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर। कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन। अब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के सेक्शन 3 में किसके बारे में बात करी गई है, सेंट्रल बोर्ड के कंपोजिशन के बारे में। क्लियर। द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट हैज द पावर टू असाइन और सेट अप अ सेंट्रल बोर्ड नेम एज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट यानी कि गैजेट को ऑफिशियल नोटिस देने के बाद वो क्या कर सकती है, उसके पास पावर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है, क्या, सेंट्रल बोर्ड। क्लियर। और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कंपोजिशन के, यानी कि अब जो अथॉरिटी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड है या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं, उनके अंदर कौन कौन पर्सन आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, अ चेयरमैन हु हैज द नॉलेज और हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द केस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब भैया एक मेंबर कौन होगा, चेयरमैन होगा, जिसके पास क्या होगी, नॉलेज होगी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नॉलेज किससे रिलेटेड होगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड। क्लियर। द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनली। और ये जो चेयरमैन है किसका, सेंट्रल बोर्ड का, इसे कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। क्लियर। नॉट मोर देन 5 ऑफिशियल टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 5 हमारे ऐसे मेंबर होंगे जो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब यहाँ लिखा मैंने 5 बोल दिया, 5 मतलब ये मैक्सिमम है, नॉट मोर देन 5 का मतलब कि एक मेंबर भी हो सकता है, 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 4 मेंबर्स भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, 5 मेंबर्स होंगे जो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। नॉट मोर देन 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बोर्ड, यानी कि हमारे 5 मेंबर्स, नॉट मोर देन का मतलब क्या हो गया कि भैया एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मैं मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 5 से ज्यादा मेंबर नॉमिनेट नहीं करे जाएंगे, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। मैक्सिमम 3 मेंबर्स। अब देखिए जो हमने सिचुएशन जारी पढ़ रहे हैं ना, नॉट मोर देन 5, ये क्या है, एक मैक्सिमम लिमिट है कि 5 से ज्यादा नहीं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 5, मत 5 से ज्यादा 6 नहीं होंगे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट कहते हैं, मैक्सिमम 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, ट्रेड और एनी अदर इंटरेस्ट एज द गवर्नमेंट मे सीम फिट। अगर हम बात करते हैं हमारे 3 मेंबर्स, यानी कि मैक्सिमम 3 मेंबर्स, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो रिलेटेड टू जो किस फील्ड से होंगे, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से होंगे, फिशरीज फील्ड से होंगे, उन्हें भी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर होती है उन्हें अपॉइंट करने की। क्लियर। 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंपनीज और कॉर्पोरेशन ऑन कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 पर्सन क्या होंगे, अपॉइंट करे जाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी कॉर्पोरेशन होगी, जो कंट्रोल किसके द्वारा करी जा रही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। अ फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी हैविंग कंप्लीट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एक फुल टाइम क्या होगा, सेक्रेटरी क्या करा जाएगा, अपॉइंट कराएगा, जिसके पास क्या होगी, कंप्लीटली नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशन होगी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और बहुत अच्छी तरीके से वो क्या कर सकेगा कि प्रिवेंट कर सकेगा एनवायरमेंट पॉल्यूशन को। क्लियर।
अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 16। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम वाटर एक्ट में पढ़ रहे हैं, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड होता है और स्टेट बोर्ड होता है वो हमारा एयर एक्ट में भी होता है, क्लियर। तो अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वाटर एक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में, सेंट्रल बोर्ड के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, क्लियर। फर्स्ट, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड होता है वो किसे एडवाइस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। कि कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, तो कौन हेल्प करेगा, कौन एडवाइस करेगा, सेंट्रल बोर्ड, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड रिजोल्व डिस्प्यूट अमंग देम। वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, किसकी एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, स्टेट बोर्ड के साथ, क्लियर। ये दोनों ही क्या है, हमारी बॉडीज हैं जो किसके द्वारा एस्टैब्लिश करी गई है, वाटर एक्ट के द्वारा। क्यों करी गई है, टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन, क्लियर। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड। ये क्या करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस देगा और गाइड करेगा किसे, स्टेट बोर्ड को, कौन, सेंट्रल बोर्ड। ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड का थर्ड फंक्शन है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन एंगेज टू बी एंगेज इन द प्रिवेंशन और कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन ऑन सच टर्म्स कंडीशन एज द सेंट्रल बोर्ड में स्पेसिफाई। अगर हम बात करते हैं कोई भी हमारे ऐसे पर्सन हैं जो किस एक्टिविटी में इंडल्ज है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो हमारा वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करने को, उसे प्रिवेंट करने की एक्टिविटीज में क्या है, इंडल्ज है, तो उन पर्सन को क्या करेगा, ट्रेन करेगा, उनके लिए प्लान क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, कौन, सेंट्रल बोर्ड, क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज थ्रू अ मास मीडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। किस चीज को ऑर्गेनाइज करेगा, थ्रू मास मीडिया किस चीज को ऑर्गेनाइज करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, जिसका क्या पर्पज होगा, कि कंट्रोल कर सके, प्रिवेंट कर सके क्या, वाटर पॉल्यूशन। टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर स्ट्रीम्स एंड वेल्स। अब इसका मतलब क्या है, कि एक स्टैंडर्ड को सेट करेगा, ले डाउन करेगा स्टैंडर्ड्स को। अब ये ले डाउन स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हो गया, देखिए फॉर एन एग्जाम्पल फैक्ट्रीज है, वो कितना वेस्ट मटेरियल या कितना अपना जो भी उनका हजारीय सब्सटेंस रहता है लिक्विड फॉर्म में, वो नदियों में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, उनका भी एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा। यानी कि अगर उससे ज़्यादा वो इन्वायरमेंट में वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिली जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, उनकी फैक्ट्री सीज कर दी जाएगी, और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, क्लियर। एट पॉइंट, टू प्रिपेयर मैनुअल कोड्स गाइड्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफिलेंट्स। अब देखिए ये क्या करेगा, जो हमारे सेंट्रल बोर्ड है उसका फंक्शन क्या है, कि वो मैनुअल प्रिपेयर करे, कोड्स प्रिपेयर करे, गाइडेंस कि किस तरीके से भैया कोई भी जो वेस्ट मटीरियल है डिस्पोज, उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करें, क्लियर। नाइन पॉइंट, टू एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज लेबोरेटरीज फॉर द एनालाइजेशन ऑफ द वाटर सैंपल्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, वेल, ट्रेड और एफिलेंट्स। अगर हम बात करते हैं मेरी कोई फैक्ट्री है, वो हजारीय सब्सटेंस रिलीज कर रही है लिक्विड फॉर्म में, किसमें, कोई भी रिवर हो गई, फॉर एग्जाम्पल गंगा में रिलीज कर रहे हैं, तो मेरा सैंपल कितना वाटर पॉल्यूशन कर रहा है वो कैसे एनालाइज करेंगे, मतलब किस तरीके से एनालाइज होगा, तो उसके लिए ये हमारा सेंट्रल बोर्ड, उसके पास क्या होती है, पावर होती है, उसका फंक्शन होता है, वो क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है क्या, लेबोरेटरीज, क्लियर। बात करते हैं टेंथ, टू प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट। तो ये क्या कर सकता है, प्रमोटिंग एक्टिविटीज कर सकता है, कि जिस तरीके से क्या, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल रिवर हमारी क्लीन रहनी चाहिए, और इसके पास एक और फंक्शन होता है कि ये क्या कर सकता है, लाइक अवेयरनेस भी फैला सकता है किसके बीच में, अमंग द पीपल्स, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब पावर्स क्या होती है सेंट्रल बोर्ड की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, बिल्कुल सही, सेंट्रल बोर्ड को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Has been empowered issue direction under section 33A of the Water Act to direct the prohibition, closure or regulation of any operation, industry, process or regulation of supply of electricity, water or any other services. Clear? जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसे पावर दी गई है किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 33A में, कि वो किसी भी फैक्ट्रीज के रिगार्डिंग, कोई भी फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पॉल्यूशन कर रही है, कुछ भी चीज़ कर रही है जिससे हमारा क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है बहुत एक्सेस अमाउंट में, या जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उससे ज़्यादा कर रही है वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज, तो उन्हें क्या इशू कर सकता है, उनके लिए रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग क्या कर सकता है, इशू कर सकता है डायरेक्शंस की, लाइक नोटिस भेज सकता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई वो तब भी नहीं मान रहे तो क्लोजर ऑर्डर भी दे सकता है, यानी कि उनकी फैक्ट्री को क्या कर सकता है, सील कर सकता है, कौन, सेंट्रल बोर्ड, क्लियर। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन एम्पावर्ड बाय सेक्शन 18 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखिए जो हमारा सेंट्रल बोर्ड होता है उसके पास सेक्शन 18 के अंदर क्या है, पावर है कि वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है किसे,
बिल्कुल सही, स्टेट बोर्ड को। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज द पावर्स टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स डायरेक्शन। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है उसकी डायरेक्शन पे वर्क नहीं कर रहा, कौन? स्टेट बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड हमारा क्या कर सकता है? फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, किसका? स्टेट बोर्ड का। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट लाइन। अब बात करते हैं फंड ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड शैल हैव इट्स ओन फंड एंड ऑल सम्स व्हिच मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी पेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर रिसिप्ट्स। सेंट्रल बोर्ड मे एक्सपेंड सच सम्स एज इट थिंक्स फिट फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है भैया, उसके पास उसका खुद का फंड होता है जो किसके द्वारा प्रोवाइड करा होता है, हमारे अदर रिसिप्ट के द्वारा प्रोवाइड करा गया होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे देती है। किस चीज के लिए दिया जाता है? कि वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके, जो भी हमारे इस एक्ट में क्या है, मेंशन है। क्लियर? और जिस भी जगह उसे ऐसा लगता है कि यार हमें इस जगह वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये फंड्स को यूटिलाइज करना चाहिए, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपना फंड। क्लियर? बोरोइंग पावर्स ऑफ बोर्ड सेक्शन 37A। बोर्ड में बोरो मनी विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्सेज बाय द वे ऑफ लॉन्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर और सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज इट मे डीम फिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल और एनी ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट। अब देखिए, उस पर बोरोइंग पावर भी होती है, सेंट्रल बोर्ड के पास बोरोइंग पावर होती है। वो किसकी कंसेंट से? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से क्या कर सकता है? बोरो कर सकता है, यानी कि पैसों को ले सकता है, उधार पे ले सकता है, लोन के थ्रू ले सकता है, डिबेंचर्स के थ्रू ले सकता है, बॉन्ड्स के थ्रू ले सकता है, किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकता है? बोरो कर सकता है मनी। क्लियर? जहां भी उसे ऐसा लगता है कि मेरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है, यानी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो किसकी कंसेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से हमारा सेंट्रल बोर्ड क्या ले सकता है? बोरो कर सकता है मनी। ये पावर किस सेक्शन में? सेक्शन 37A। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए, जैसे कि हमने सेंट्रल बोर्ड कंप्लीट कर दिया, अब हम किसके बारे में बात करें? स्टेट बोर्ड के बारे में। स्टेट बोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही, स्टेट बोर्ड का दूसरा नाम क्या है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर? अब बात करते हैं उसके कंपोजिशन के बारे में, उसमें कितने मेंबर्स आते हैं, कौन कौन मेंबर्स आते हैं, किस तरीके से वो बनती है। क्लियर? जैसा कि सेंट्रल हमने सेंट्रल बोर्ड पढ़ा था, वैसे ही हमारा स्टेट बोर्ड भी है, सिमिलर है, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर? द स्टेट गवर्नमेंट through an official notice in the gazette has the power to assign or set up a state board named as state pollution control board. The composition of the state board is as follows. अब देखिए, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो नोटिस देने के बाद किसे? गजेट को। उसके पास क्या होती है? पावर होती है कि वो असाइन क्या कर सकते हैं, सेटअप क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश क्या कर सकते हैं? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही हम क्या कहते हैं? स्टेट बोर्ड कहते हैं। क्लियर? फर्स्टली, जैसे कि हमने सेंट्रल बोर्ड में पढ़ा था, चेयरमैन को क्या करा जाता है? अपॉइंट करा जाता है। वैसे ही हमारे स्टेट बोर्ड में भी क्या होता है? चेयरमैन होता है। अ चेयरमैन हु आइदर हैज द नॉलेज और सम एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द केस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशंस। एक हमारे क्या होता है? चेयरमैन को करा जाता है अपॉइंट, जिसके पास क्या होती है? एक नॉलेज होती है अच्छी, और उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है किससे रिलेटेड? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड। क्लियर? नॉट मोर देन 5 मेंबर्स। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। यानी कि मैक्सिमम 5 मेंबर्स क्या करे जाएंगे? अपॉइंट करे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नॉट 5 देन का मतलब क्या होता है? नॉट मोर देन 5 का मतलब कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पर 5 से ज्यादा नहीं मेंबर्स क्या करे जाएंगे? अपॉइंट करे जाएंगे किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मैक्सिमम जो लिमिट है मेंबर्स की अपॉइंट करने की स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो किसे रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो कितने? 5। क्लियर? नॉट मोर देन 2 पर्सन बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु आर फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ द लोकल अथॉरिटीज विद इन द स्टेट्स। भाई मैक्सिमम मेंबर क्या हो गए? 2 मेंबर से ज्यादा अपॉइंट नहीं करे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसका भैया? किसे रिप्रेजेंट करेंगे? लोकल अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जो विद इन द स्टेट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नॉट मोर देन 3 पर्सन। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप चीज याद रख लीजिए, जब भी आप कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लॉ का, तो उसमें इस तरीके से लिखा जाता है, मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखते, वो इस तरीके से लिखते हैं मेंबर की क्वांटिटी, नॉट मोर देन 3%। यानी कि इस वर्ड्स का मतलब होता है, इस टर्म्स का, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि भैया जो भी हमारे पर्सन है उनकी मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बट 3 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? नॉट मोर देन 3% नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरीज एग्रीकल्चर स्टेट। तो जो हमारे ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर्स चूज करे जा सकते हैं, अपॉइंट करे जा सकते हैं, नॉमिनेट करे जा सकते हैं, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसे रिप्रेजेंट करेंगे? भैया हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से होंगे, ट्रेड फील्ड से होंगे, फिशरीज फील्ड से होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट की। 2 पर्सन फ्रॉम द कंपनीज, कॉर्पोरेशन विच आर आइदर कंट्रोल और ओन्ड बाय मैनेज बाय द
स्टेट। अब 2% हमारे किससे, किसी भी कंपनी से, किसी भी कॉरपोरेशन से क्या करे जाएंगे, अपॉइंट करे जाएंगे। कौन करेगा अपॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। बट वो जो मेंबर्स होंगे, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है 2% की, वो पर्सन्स कौन होंगे? जो भी हमारी फैक्ट्रीज है, कॉरपोरेशन है, जो स्टेट, यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या करेगी, ऑन करी गई हो, कंट्रोल करी जा रही हो, मैनेज करी जा रही हो। क्लियर? एक हमारा क्या होगा, परमानेंट सेक्रेटरी अपॉइंट करा जाता है, अ मेंबर सेक्रेटरी हु हैज द नॉलेज, क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द केस ऑफ पैटर्निंग टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। यानी कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड उसके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हो चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें डील करने में, एनवायरमेंट पॉल्यूशन से जो भी रिलेटेड केसेस होते हैं। अब बात करते हैं स्टेट बोर्ड के फंक्शंस के बारे में, जो हमारे किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 17 पे डिफाइंड है, किसमें, हमारे वाटर पॉल्यूशन एक्ट। क्लियर? टू प्लान अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिंग, अब देखिए भी क्या फंक्शन होता है स्टेट बोर्ड का, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को क्या करना, प्लान करना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है स्टेट में उसे क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। क्लियर? अब जैसे कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि सॉरी सेंट्रल बोर्ड का हमने फंक्शन पढ़ा था, तो वो क्या कर रहा था, सेंट्रल बोर्ड किसे एडवाइस कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वैसे स्टेट बोर्ड किसे एडवाइस करेगा, टू एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट, और किससे रिलेटेड बारे में बात करें, ऑन मैटर रिलेटेड टू द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। यानी कि स्टेट बोर्ड क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि जो भी मैटर्स हैं किससे रिलेटेड, भैया हमारे किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, उस पर कौन एडवाइस करेगा, स्टेट। बिल्कुल सही, स्टेट बोर्ड किसे एडवाइस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल बोर्ड किसे एडवाइस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कोलैबोरेटिंग विद द सेंट्रल बोर्ड टू ट्रेन पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। यानी कि अब स्टेट बोर्ड का क्या फंक्शन है, वो कोलैबोरेट करेगी किसके साथ, सेंट्रल बोर्ड के साथ, और किस में हेल्प करेगी, ट्रेन करने में पर्सन को। किन पर्सन को ट्रेन करा जाएगा, जो भी पर्सन हमारे किस एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने की एक्टिविटी में, कंट्रोल करने की एक्टिविटी में। क्लियर? The state board has the authority to set up laboratories to enable the board to perform its function efficiently, including collecting of samples from any stream, sewage, etc. जो हमारे स्टेट बोर्ड है उसके पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, उसका फंक्शन होता है कि वो क्या करे, सेटअप करे क्या, लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज क्यों सेटअप करी जाती है, जिससे उनका फंक्शन क्या हो, अच्छी तरीके से हो। अच्छी तरीके से कैसे हो, क्योंकि देखिए आप कोई भी सैंपल ला रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रही है रिवर में, या वो रिवर कितनी पॉल्यूट है कितनी नहीं है, हम क्या कुछ देख के बता सकते हैं, नहीं ना। उनका सैंपल लाएंगे, उसका सैंपल का क्या एनालाइजेशन होगा, तो वो कहाँ होगा, लेबोरेटरीज में होगा। तो स्टेट बोर्ड का क्या फंक्शन है कि वो सेटअप कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी क्या है, वो सेटअप कर सकता है, बिल्कुल सही, लेबोरेटरीज के लिए। इंस्पेक्टिंग ट्रेड एफिलेंट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो इसके पास क्या पावर होती है, स्टेट बोर्ड के पास पावर होती है, वो किसी भी ट्रेड एफिलेंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, यानी कि कोई भी पॉल्यूट वाटर को कन्वर्ट कर रहा है ऐसा प्लांट क्लीन वाटर में, तो ऐसे प्लांट्स को करने की इंस्पेक्टिंग पावर किसके पास होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, इंस्पेक्ट करने का किसका होता है, बिल्कुल सही, हमारा स्टेट बोर्ड का। तो कई हमारे ऐसे हैं जहां हम देख रहे हैं कि हमारे वो फंक्शन भी है और उनकी पावर भी है। यानी कि क्या है, जब एक पर्सन का फंक्शन है, फॉर एन एग्जांपल स्टेट बोर्ड का हमारा क्या फंक्शन है, लेबोरेटरीज को सेटअप करना, तो उसके पास अथॉरिटी भी तो होगी ना सेटअप करने की। तो कई चीजें हमारी क्या सिमिलर है कि फंक्शन तो है बट वो पावर भी दिख रही है। क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज। प्रिस्क्राइबिंग एफिलेंट स्टैंडर्ड फॉर द सीवेज और ट्रेड एफिलेंट स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करेगा, स्टेट बोर्ड ले डाउन करेगा। क्लियर? उसका फंक्शन है। Evolving economical and reliable methods of disposal, treatment and reuse of waste water. देखिए कोई भी हमारे reliable methods होते हैं किसके कि किस तरीके से हमारे waste material को क्या करा जाए, dispose of करा जाए, treatment करा जाए water का, किस तरीके से हम reuse कर सकते हैं हमारे waste water का, तो उन्हें कौन evolve करेगा, किसका function है वो evolve करने का, बिल्कुल से state board का। लास्ट, टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वाटर पॉल्यूशन। कोई भी हमारे वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज है उसे कलेक्ट करना, उसको भाई लोगों को अवेयरनेस फैलाना उसके बारे में, वो किसका वर्क है, स्टेट बोर्ड का फंक्शन है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कम्स टू द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 19 के बारे में, किसमें, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट के बारे में, तो किसके बारे में बताता है, स्टेट बोर्ड यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या बताता है, पावर के बारे में बताता है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे हो गया, स्टेट बोर्ड को कौन बनाता है, बिल्कुल से स्टेट गवर्नमेंट बताता है। तो अब हम उनकी पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पावर क्या है, पावर्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अब इससे समझ क्या रहा है कि स्टेट बोर्ड के पास क्या होगी, पावर होगी कि वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। रीड आउट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, द स्टेट बोर्ड में मेक सर्वेस, टेक मेजरमेंट्स एंड ऑब्टेन
इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शन अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो जो हमारे फंक्शंस हमारे बताए गए हैं किस एक्ट में, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट में स्टेट बोर्ड के, उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेट बोर्ड होता है उसके पास क्या होती है, पावर होती है, वो सर्वे कर सकता है, मेजरमेंट्स ले सकता है और ऑप्टेट इंफॉर्मेशन कर सकता है। जो भी पर्सन, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी पर्सन की कोई फैक्ट्री है, वो बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या कर रही है, वाटर को पॉल्यूट कर रही है। स्टेट बोर्ड ने देखा कि ये तो बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या कर रही है, वाटर को पॉल्यूट कर रही है, तो उससे इन्फॉर्मेशन ली, सैंपल्स लिए, लाइक दैट। अगर उसने तब भी कुछ चीज एक्शंस, जो हमारे स्टेट बोर्ड ने कहा कि आप इस बंद कर दीजिए, इस प्रोसेस को चेंज कर दीजिए, तब भी वो करता है, वो प्रीमाइसिस कर रही है या कोई भी प्रीमाइसिस को चेक कर रहा है, उस प्रीमाइसिस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो बहुत एक्सेस अमाउंट में वाटर पॉल्यूशन कर रही है, तो क्लोजर ऑर्डर की क्या होती है, स्टेट बोर्ड के पास क्या होती है, पावर होती है। क्लियर। सेकेंड, पावर टू टेक सैंपल्स। जैसे कि हमने सैंपल पढ़ा कि देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी वाटर, कोई भी हमारी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, वाटर को पॉल्यूट कर रही है, वो जो उसका हजार्डियस वेस्ट रहता है या जो भी उसका लिक्विड फॉर्म का वेस्ट रहता है, वो क्या कर रही है, किसी भी रिवर में रिलीज कर रही है, तो आप उसके वेस्ट को क्या करोगे, सैंपल ही तो लोगे ना कि कितना अमाउंट में हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रही है, आप तो नहीं बता सकते। वो कहाँ जाएगा, लेबोरेटरीज में जाएगा, एनालाइज होगा और फिर क्या होगा, फिर रिपोर्ट आगे, वो रिपोर्ट हमें क्या बताएगी कि ये फैक्ट्री कितने अमाउंट में क्या कर रही है, हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। क्लियर। तो क्या पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट बोर्ड के पास क्या होती है, हैज द पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ वाटर ऑफ एनी स्ट्रीम्स वेल्स और एनी एफिलेंट्स बींग डिस्चार्ज इन टू सच स्ट्रीम वेल्स फॉर एनालिसिस। क्लियर। अगर कोई हमारे ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी हमारे रिवर है, उसका भी सैंपल लिया जा सकता है, वो कितनी पॉल्यूट है कितनी नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। अब देखिए, स्टेट बोर्ड के पास क्या रहती है, एंट्री करने की पावर है, इंस्पेक्शन करने की पावर है। एंट्री करने की पावर क्या, आप रीजनेबल टाइम पे स्टेट बोर्ड के पास क्या होती है, पावर होती है, वो किसी भी प्रीमाइसिस, किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी फैक्ट्री के अंदर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, उसे चेक कर सकता है, यानी कि इंस्पेक्ट कर सकता है कि जो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस ऑप्ट कर रखी है उन्होंने, कौन सी प्रोसेस से वो क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, कोई ऐसा ओल्ड मेथड तो नहीं है जो बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। तो हमारी सेक्शन 23 यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट सेक्शन 23 में क्या पावर दी गई है स्टेट बोर्ड को, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। द स्टेट बोर्ड इज एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द राइट टू एंटर एनी प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एनी ऑफ द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू इट। पावर्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटिंग मैटर इनटू अ स्ट्रीम और वेल। तो देखिए, हमारे क्या थी, स्टेट बोर्ड के पास पावर थी, जैसे कि आपने सेक्शन 23 के बारे में पढ़ा भी कि उसके पास क्या एंट्री की पावर, इंस्पेक्शन की पावर है, किसी भी प्रीमाइसिस में जाकर रीजनेबल टाइम में अपने पर्पस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रीमाइसिस को, इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं, वो किस कितने अमाउंट में क्या कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। अब नेक्स्ट पावर क्या लिख रही है कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज है, तो उस पर प्रोहिबिशन भी लगा सकता है, उसके पास पावर होती है। स्टेट बोर्ड के पास क्या होती है, पावर होती है प्रोहिबिशन लगाने की, कि जो भी आप पॉल्यूटिंग मैटर क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं किसी भी वाटर्स पे, रिवर्स पे, उस पर क्या लगता है, प्रोहिबिशन लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कोई फैक्ट्री है, वो वाटर में, गंगा में यमुना में, किसी भी रिवर में क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रही है लिक्विड फॉर्म्स में। तो स्टेट बोर्ड के पास क्या है, पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, मेरी जो वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहा हूँ मैं, उस पर क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, प्रोहिबिशंस लगा सकते हैं। क्लियर। पावर टू रिफ्यूज और विदड्रॉ द कंसेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा सेक्शन 27 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। यानी कि हमारे स्टेट बोर्ड के पास क्या होती है, पावर हो सकती है, वो क्या कर सकता है, किसी को भी क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है कंसेंट। किस चीज़ की कंसेंट, किस चीज़ की चीज को हम रिफ्यूज कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। कोई पर्सन कह रहा है कि मैं अपनी इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करना चाहता हूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी कि स्टेट बोर्ड के पास क्या होती है, पावर हो सकती है, वो क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है किस चीज़ को, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री। किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 27, कौन से एक्ट में, बिल्कुल सही, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। होपफुली आपको सेंट्रल बोर्ड कंपोजिशन पावर्स फंक्शन, स्टेट बोर्ड कंपोजिशन पावर्स फंक्शन टॉपिक क्लियर हो। अब ये जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, हम किस में पढ़ रहे हैं, इन वाटर एक्ट। अब ये हम एयर एक्ट में भी पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड इन वाटर एक्ट, इन एयर एक्ट। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएं, अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें, अपना नाम रोशन करें और थोड़ा लोक कक्षा को सपोर्ट करें। मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। एंड जो पर्सन, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे कलीग्स, जो सब सपोर्ट कर रहे हैं हमें इतना ज़्यादा, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।